हेलो दोस्तों। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए लंच। तो आज मैंने बनाया है वाल बैंगन और आलू का सब्जी और बीन्स भी डाला है थोड़ा सा। तो बस अभी से इसे विसल लगाने के लिए छोड़ देती हूँ। उसमें पानी नहीं डालना है कि सब्जी के साथ खाने के लिए बनाना है। कबीर, हाय कबीर। हाँ कबीर, ऐसा कुछ ना कुछ मेरा रिमेंड करता ही रहता है ना कबीर। और ये पापा लेकर आए हैं अंगूर, द्राक्ष, हाँ ग्रेप्स। बट ये खट्टा लग रहा है शायद। कबीर चख, टेस्ट कर, खट्टा है नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा। और ये है, क्या बोलते हैं इसे आप लोग? मुझे तो नहीं पता, बट इसे ये गर्मियों में ही पकता है। तो ये कभी को लगा के सीटी हो रहा है कुकर का, तो वो भाग रहा के बॉम्ब फूटने वाला है। कभी बॉम्ब नहीं फूटेगा, डियर डोंट वरी। तो ये गर्मियों में ही पकता है और यहाँ पर ज़्यादातर गुजरात में ही मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो इसे भी साफ कर दूँगी, बहुत सारा ऑलरेडी फ्रिज में भी खराब खराब ही फ्रिज में भी पड़ा है, लेकिन ये खाने में अच्छा लगता है। जो पका हुआ है ना वो एकदम स्वीट होता है। और आज सब्जी वाला आया था, तो ये सारी सब्जियां मैंने नीचे रखा है, धोकर अलग अलग करके रखूंगी, क्योंकि इसमें गवार फली भी है और ये वाला बीन्स भी है, इसलिए इसे धो दूं। फ्रेंड्स वेलकम इंडियन फैमिली चैनल। एक सेकेंड। तो आज और देखो, मैंने वापस मैंने नहाकर मैंने बाल भी वॉश किए हैं, तो लेकिन ये वाला नाइट गाउन लगा लिया क्योंकि आज मूड अच्छा नहीं है। सुबह थोड़ा सा रोई भी थी क्योंकि रोना इसलिए आ रहा था कि आखिर क्या कमी है मेरे वीडियो में, मेरे वीडियोस में क्या इतना मेहनत करती हूँ, एक साल से कर रही हूँ, फिर भी मेरे वीडियोस पर इतने व्यूज़ क्यों नहीं मिल रहे हैं, या फिर व्लॉग बनाना छोड़ दूँ, ये फिर अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो व्लॉग बनाना छोड़ दूँ ऐसा लग रहा है। रोना भी आ रहा था, किसी और का वीडियो देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि यार उस यार उसके वीडियो में कुछ नहीं है, अच्छे से एडिटिंग भी नहीं करते, फिर भी उसके वीडियो पर कितने कितने व्यू मिलते हैं और मेरे वीडियो पर एक भी नहीं, कम से कम 50 इतना ही। तो बस आज थोड़ा सा टेंशन हो और कुछ नहीं, थोड़ा सा मूड ऑफ है, अच्छा नहीं है। तो बस आज सब्जी बना ली और यहाँ पर मैंने मशीन में सारे घर के जो डोरमेट होते हैं वो तो सब मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है, और थोड़े से और कपड़े हैं उसे भी मुझे वॉश करना है। तो फिलहाल मैं आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी, तो बस उसकी उसके लिए तवा रखा है। तवा मतलब हम लोग तो माटी की आ देना, उसमें ही रोटी बनाते, तो बस दो तीन रोटी बनानी है, रोटी बना लूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए, बस ये बाजरे का रोटी बनाया है मैंने, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना बट चलेगा। और ये वाला देखो, मेरा मिट्टी का था ना तवा वो टूट गया, तो फिलहाल एक इसमें चल जाएगा। और ये सब्जी भी बन गई है मेरी विदाउट वाटर, इसमें मैंने कुछ पानी इतना नहीं डाला है।
आज है मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन, यानी कि अभी मॉर्निंग हो रहा है। मॉर्निंग में नहा कर आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, मेरे जो सारे जो मसाले वो आ गए हैं, सिर्फ लाल मिर्च वो नहीं आया है अभी तक, वो नहीं शायद हुआ होगा। तो बस पहले मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेते, उसके बाद सारे मसाले वो सब बनिया कर सराब कर मैंने सारे कांच की बनिया सब धोकर सुखा कर रख दिया था। तो बस वही अभी वो काम जल्दी कर लेती हूँ, और आज से जो है स्पीड कर ही अपना वर्क एट होम करने वाले हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो हो ही रहा है, लॉकडाउन कई जगह पर हो गया है, तो इस वजह से तो बस अभी जल्दी जल्दी बाल बना लो, उसके बाद किचन। कल ऐसे ही वॉश करके बांध दिए थे, वही तो बाल भी से हो गए एकदम। कितना हाइट हो गया बाल का, तो चलिए किचन में जाते। कभी भी आज जल्दी उठ गया है, तो वो उसे भी उसने भी दूध पी लिया है, उसके थोड़ी देर के बाद नहीं ला दूँगी। अभी तो पानी बहुत ठंडा होता है, थोड़ा सा मॉर्निंग ए टाइम पर रात पर पानी की टंकी एकदम ठंडा हो जाती है। तो चलिए, मैंने रात को ये सारे मैंने बनिया धो कर रख दिया था, और ये वाला भी, और ये है धनिया जीरा पाउडर, इसमें है हींग, हल्दी, राई, राई तो आधा आधा किलो ही है, इतना तो बहुत है एक साल के लिए। तो और ये है ज़ीरा, इसे धूप में एक दो दिन रखूँगी, उसके बाद क्लीन करूँगी, क्योंकि इसमें देखो इसमें छोटा 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 कंकड़ होता ही है। किचन के सारे बर्तन मैंने कर दिए थे, तो वो किचन का जो काम था वो तो सब बर्तन बर्तन वगैरह वो निकल गया है, सिर्फ अभी ये लिविंग एरिया ही मुझे साफ करना है। कबीर वहाँ पर सो रहा है, उसे मैंने अब ये हैबिट पड़ा हैबिट करवा रही हूँ कि वो नीचे। सो पहले तो मैं अपना जो मॉर्निंग का टर्मरिक मिल्क होता है वो पी रही हूँ, और आधी लेट हो गया था, नहाने चली गई थी, तो क्योंकि काम करने का ही एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है सब कुछ, एक कल से ही पूरा मूड ऑफ है, तो बस उसकी वजह से काम करने का मन नहीं करता। और एक और बात, शायद अब मुझे लग रहा है कि मेरा यूट्यूबर बनने का सपना, मेरा यूट्यूबर बनने का सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा लगता है, नहीं अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कामयाबी मिलनी थी तो मिल जाती ना अब तक तो शायद, लेकिन अब तक नहीं मिला तो इसका मतलब क्या होता है कि शायद मेरा ये जो मैं कर रही हूँ शायद वो गलत होगा ये यूट्यूब वीडियोज़ में, तो शायद नहीं होगा कि मैं बड़ी यूट्यूबर बनूँ। मेरा सपना था सच में मैं यूट्यूब में एक अच्छा नाम कमाऊँ, एक पहचान कमाओ, बट अब नहीं लग रहा है, कई बात है देखती हूँ, वरना व्लॉग बनाना छोड़ दूंगी। और ये 2 kg हल्दी है, सो ये वाला बर्नी भी 2 kg का ही है। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि ये वाला एक ही में रह जाएगा, और ये तीनों में धनिया जीरा आ जाएगा, और लाल मिर्च मैंने इस बार सोचा है कि मैं एक ही जो 5-6 kg का बड़ा वाला एक मेरे पास है प्लास्टिक का ही, तो उसमें ही मैं अच्छे से रख दूंगी।
और ये एक बर्नी में हल्दी आ गया, बच गया है वो, मैं दूसरी जो रेगुलर मसाले में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डाल दूँगी। और साल भर के मसाले हम लोग जब भी भरते हैं ना, तो उसमें ऐसे एकदम दबा दबा कर सारे मसाले भरते हैं, क्योंकि बीच में भी एक अगर थोड़ा सा भी जगह रहेगा मसाले में, तो उसमें और छोटा छोटा वो कभी हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा मसाला इस वजह से। और देखो मेरे से अगर कोई भी चीज़ गिरे ना, वो नहीं बनता, गिरता ही है। तो अभी मेरे जो ये मसाले का काम था, जो अभी मेन काम तो बाकी है, लाल मिर्च पाउडर वो आ जाएगा, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। उसे गरम तेल करो, उसके बाद गरम तेल को ठंडा होने दो, फिर दोनों हाथों से पूरी लाल मिर्च को ऐसे एकदम मसल के उसमें, जब तक ऑयल एकदम लड्डू जैसा ना हो जाए पूरा लाल मिर्च पाउडर, तब तक उसमें ऑयल डालो गर्म, मतलब कि ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर उसे साल भर के लिए अच्छे से सही सलामत रखने के लिए अच्छे से दबा दबा कर एक बर्नी में भरना है, तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम है, तो वो अब कल या परसों आ जाएगा तब करूँगी। तो फिलहाल ये देखो ये हो गया काम, और बाहर ज़ीरा रखा है मैंने, बाहर ज़ीरा रखा है सुखाने के लिए। कबीर टीवी चालू रख के चला गया, कबीर ने कहा, मैं कबीर को बोला था कबीर जा और रख दे, तो हाँ उसने गिराया पी गया। ओ माय गॉड, ले देखो गिरा दिया है उसने। ज़ीरा बहुत महंगा है, धूप लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा मेरा एक व्लॉग था जो मैंने कल से स्टार्ट किया था, तो चलिए अब व्लॉग ख़त्म करने का टाइम हो गया है। धूप इतना है, देखो बाहर भी कल के कपड़े हैं वो भी ले लेती हूँ, लेकिन पहले बाय बाय। और ये वाला देखो कबीर नहीं फेंकने भी नहीं देता, वो उसमें कुछ ना कुछ बनाता है, ड्रॉइंग करता है, वो फेंकने नहीं देता, इसलिए रखा है।
तो चलिए गाइस आज यहीं तक, आप लोग तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और नए व्यूअर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलूँगी, ठीक है, नए वाले ब्लॉग में, अगर ज़्यादा व्यूअर्स मिले तो ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।